प्रयागराज के झलवा में रिक्शा चालक का शुक्रवार रात 100 रुपए के भाड़े के चक्कर में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि चालक ने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं पुलिस युवक को SRN हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां शुक्रवार देर रात युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी की पहचान के लिए आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि फूलमंडी नैनी के 28 साल कुदरू पेंटिंग का कार्यकर्ता था। शुक्रवार रात वह धूमनगंज में किसी के यहाँ उसे काम मिला था। ई रिक्शा से वह झलवा पहुंचा। आसपास के लोगों ने बताया कि 100 रुपए के भाड़े को लेकर दोनों में मारपीट हुई। ई रिक्शा चालक ने धारदार हथियार से युवक की गर्दन पर वार कर दिया, जिसके बाद उसकी नस कट गई और खून बहने लगा। खून बहता देखकर ई रिक्शा चालक वहां से भाग निकला। आपको बता दें कि धूमनगंज पुलिस जख्मी हालत में कुदरू को SRN हॉस्पिटल में ले गई, जहां थोड़ी देर बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।